में हम बात करते हैं बटरफ्लाई चार्ट की। बटरफ्लाई चार्ट एक तरह का कंपेरेटिव चार्ट है। जैसे मेरे पास चार सब्जेक्ट हैं और दो स्टूडेंट्स हैं, राम और श्याम। तो एक तो तरीका है हम इनका जो चार्ट बनाएं वो ये बन गया सिंपल। ये चार्ट है हमारा कॉलम चार्ट, 2D कॉलम चार्ट। और इसी का अगर मैं बार चार्ट बनाऊं तो ये बन गया, यानी श्याम यहाँ पर है, राम ज़्यादा है, राम साइंस में और मैथ में ज़्यादा आगे है और श्याम हिंदी इंग्लिश यानी लैंग्वेजेस में ज़्यादा है। तो ये एक ही साइड आ रहे हैं। तो क्या अगर मैं इनको दोनों तरफ बनाऊँ कि राम का इधर श्याम का इधर, उसको हम बटरफ्लाई चार्ट बोलेंगे। तो उसमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें, जैसे राम और श्याम का। तो अगर मैं इसका स्टैक चार्ट करके देखूँ तो राम राम के आगे श्याम, तो मतलब इसी टाइप का चाहिए लेकिन बीच में एक लाइन हो, एक तरफ राम एक तरफ श्याम, इस तरह का चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक, तो सबसे पहले तो आप देखिए मुझे पांच कंपोनेंट चाहिएंगे जैसा मैंने अभी ये चार्ट बनाया। एक बीच में, ये अपने एंड तक, ये अपने एंड तक, यानी ये जो राम का स्कोर है 100 माइनस कर लेते हैं ये स्कोर, इसको मैं बोल देता हूँ आर गैप, ये है 100 माइनस ये नंबर, ये हो गया हमारा राम और ये राम का गैप, टोटल 100 हो गया ना हर एक में। इसी तरह ये श्याम का गैप, और इसी को यहाँ कर दें ऑटोमेटिकली, देखिए ये वही आ गया। और इनके बीच में हमें एक देना है ओवरऑल गैप, लेट से 50 का, ये 50 का बीच में एक आएगा, एक तरफ राम एक तरफ श्याम। चलो अभी देख लेते हैं। देखिए मैंने बनाया बार चार्ट, ये बार चार्ट। तो ये इनिशियली देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैथ के ये स्कोर हैं, हमें एक तो ब्लू कलर दिखाना है और एक इंग्लिश, ओके एक बारी हम ऐसे करके देखें। अब ठीक है, ये राम का स्कोर है ब्लू वाला, मैथ साइंस इंग्लिश के लिए, श्याम का स्कोर ये वाला है। ये तीनों हमारे किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ सिमेट्री के लिए हमने किया है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें कई छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले तो आप ये सिलेक्ट डाटा पे देखिए, और जो यहाँ इनका ऑर्डर होता है वो लेजेंड का ऑर्डर होता है और वही इनका ऑर्डर है। इसका मतलब अगर मैं आर गैप को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं पहले आ गया, और ये जो गैप है विच इज़ सिंपली अ गैप बिटवीन दिस, तो ये हमारा हो गया बीच का, ये राम का स्कोर है, ये श्याम का स्कोर है, और ये कंपेरेटिव हो गया। अब इस पे हमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना है। सबसे पहले तो आपको पता है ये कलर्स कोई इशू ही नहीं है, इन कलर्स को हम नो फिल कर देते हैं, इसको भी नो फिल कर दीजिए, इसको भी नो फिल कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मतलब ये हो गया गैप कंपेरेटिव जो हमें चाहिए, ये राम का स्कोर है, ये श्याम का स्कोर है। अब इस पे थोड़ा थोड़ा सा हम चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो बीच में लेट्स से कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम लिख दें इस गैप में। तो अब एक बार ये देख लें कि मैंने किया कैसे है, ये राम का स्कोर है ताकि ये सेम सिमेट्री बन जाए, तो मैंने ये ले लिया गैप आर गैप कि 100 में से कितना गैप आ रहा है। तो 0 से 100 तक ये हो गया राम और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया श्याम। तो एक तो मुझे 300 तक चाहिए ही नहीं, इसको देखो मैं मैनेज करके मैक्सिमम जो है वो 300 की जगह 250 ही रखना है हमें, मैक्सिमम हमें रखना है 250 क्लोज। अब ठीक है, और नीचे का ये भी हटा दो, हटा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें लिखना है सब्जेक्ट का नाम, वो आपको पता है, राइट क्लिक ऐड डाटा लेबल, दोबारा क्लिक फॉर्मेट डाटा लेबल, और हमें देना होता है ये क्या चीज़ है, मैथ, ये तो कैटेगरी है तो कैटेगरी का नाम दीजिए साइंस हिंदी इंग्लिश आ गया। तो यानी इस वाला एक्सेस को भी हटा दें, ये राम का स्कोर श्याम का। ये जो चीज़ है लीजेंड, इसको नीचे डाल दें, तो लीजेंड एट द बॉटम, और बॉटम में से आर गैप हटा दें, एस गैप हटा दें, गैप हटा दें, और इसको थोड़ा सा वाइट कर दें, और वाइट, ये राम का स्कोर, ये श्याम का स्कोर, और कुछ इनमें डाटा लेबल डाल दें। सो ग्राफ के ऊपर क्लिक, ओके यहाँ क्लिक, लेआउट डाटा लेबल इनसाइड बेस, ये वाले मुझे नहीं चाहिए डिलीट, ये वाले मुझे नहीं चाहिए, ये वाले भी
बीच में हो गए, कोई बात नहीं, राइट क्लिक, फॉर्मेट डाटा लेबल, सेंटर कर दें इनके, ये ठीक है। इन वालों को हम कर दें इनसाइड एंड, इसको बोलते हैं बेस। अगर हम इसको वर्टिकल देखते हैं ना तो ये बेस होता है और बाहर एंड होता है। ये भी क्योंकि कलर खास विजिबल नहीं है इसमें, तो कलर को वाइट कर दें और इनको भी हम वाइट कर दें, ठीक है। अगर आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, सो यू नो इसको क्या बोलते थे हम लेआउट में, ग्रिड लाइन, हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन, विल दैट डू? तो ये हमारा हो गया बटरफ्लाई चार्ट। इसमें अगर आपको ये चीज़ें नहीं दिखानी हो जैसे, तब इसका कलर वाइट कर दें, बस ये आपका ग्राफ होगा। इसके अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे नेक्स्ट में राम के आए 81 मार्क्स, तो 81 हो गए मैथ में। अगर यहाँ पे राम ने इम्प्रूव कर लिया हिंदी में और ये बन गए राम के 86, तो 86 हो गया। सो ऑन, ये हमारा हो गया बटरफ्लाई चार्ट। ये सारे चार्ट जो मैंने सीखे हैं ये डो एच से, तो आप यूट्यूब के ऊपर जाकर अगर डो एच को सर्च करते हैं, इनका चैनल है, इन्होंने बहुत तरह के चार्ट समझा रखे हैं। थैंक्स टू हिम एंड आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।